आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है पांच क्वालिटीज ऑफ अ बेस्ट बॉयफ्रेंड। अगर आप किसी लड़की को इजीली चुटकियों में पटाना चाहते हो तो इन पांच क्वालिटीज में से कोई भी एटलीस्ट तीन क्वालिटीज अपना लेना। अगर लड़की खुद प्रपोज ना करे तो ब्रो तुम जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। प्रैक्टिकल वीडियो है, जरूर इसको अपनाना। और सबसे खास बात पता है क्या है कि इसमें ना आप थोड़ा बहुत चालसाजी करते हो, इसमें ना ऐसा आप बन के दिखाते हो जो कि आप नहीं हो, लेकिन ठीक है लड़की पट जाएगी, आगे तो तुम संभाल ही रहोगे। तो कौन कौन सी तीन क्वालिटीज है मिनिमम जो कि आपको लानी चाहिए इन पांच क्वालिटीज में से, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली क्वालिटी लड़की चाहती है कि लड़का अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल हो। अंडरस्टैंडिंग लड़के सभी को चाहिए होते हैं, लड़कियों को ज़्यादातर चाहिए होते हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड बहुत ही ईजिली करती हैं। और तुम मानो या ना मानो ये चीज़ लड़कियों को खुद भी पता होती है, लेकिन लड़कियां कभी कन्फेस नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है लड़कियों को ये चीज़ नहीं पता कि लड़कियां बहुत ज़्यादा इतराती हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें करती हैं, बहुत ज़्यादा फालतू का बात का बतंगड़ बनाती हैं? उनको सब पता होता है, लेकिन लड़कियां अपनी गलती नहीं मानती, ये भी उन्हें पता होता है, इसलिए अपनी गलतियां नहीं मानेंगी ब्रो। तो लड़कियां चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर देती हैं। तुम उनको कुछ कहोगे वो कुछ समझ लेंगी, छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना देंगी कि तुम सोचोगे ये क्या कर दिया। तो लड़कियां चाहती हैं कि इस चीज़ों को संभालने के लिए, जो मेरी हरकतें हैं उनको सुनने के लिए, संभालने के लिए एक ऐसा लड़का हो जो कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो मेरे को समझे और मुझको समझाए। हर एक लड़की चाहती है कि एक ऐसा लड़का हो जो कि मुझे हर एक राह पर समझाए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मैं कल वहाँ जाना चाहती हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए। लड़कियाँ ऐसा सवाल पूछती हैं। कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं भी होगी ना तो भी वो क्वेश्चंस पूछती रहती है, वो जज करती रहती है, टेस्ट करती रहती है कि ये लड़का क्या मेरा बॉयफ्रेंड बनने लायक है। और तुम बुद्धू क्या कहते हो, मुझे क्या पता यार, चली जाओगी तो भी ठीक है, नहीं जाओगी तो भी ठीक है। और बताओ यार तुम्हारी आंखें जब से, अब एक घंटा की आंखें भाई, वो तुम्हारा टेस्ट ले रही है, पास तो हो जाओ मेरे भाई, फिर आंखें क्या सब कुछ देख लेना, लिप्स भी देख लोगे। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो कि आपको करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तुम नहीं हो कोई बड़ा इशू नहीं है, एक्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग नेचर दिखाओ। लड़की को बोलते रहो कि यार मैं तो हमेशा से अंडरस्टैंडिंग रहा हूँ यार, मैं तो लोगों को समझता ही रहता हूँ। और ज़्यादातर अच्छी चीज़ ये होती है, इससे भी अच्छी, कि आप अंडरस्टैंडिंग बन ही जाओ, उसको समझ लो, है ना। गर्लफ्रेंड बनानी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, और नहीं चाहते तो फिर जैसा आप करते हो हरकतें वैसी करते रहो, नहीं बनेगी गर्लफ्रेंड। सेकेंड पॉइंट है जो कि सेकेंड क्वालिटी जो कि लड़कियाँ चाहती हैं ऐसा लड़के में हो, वो है टाइम पे अटेंशन देना। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है, अटेंशन देना नहीं, टाइम टाइम पे अटेंशन देना। लड़के को पता होना चाहिए कि लड़कियों को कब अटेंशन देना है और कब अटेंशन नहीं देना। हालांकि लड़की यही कहेगी कि मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो कि हर वक्त मुझे अटेंशन दे, लेकिन मैं तुम्हारा भाई बता रहा है कि ऐसा मत करना। लड़की भाई पिछवाड़े पे लात मार के इतनी दूर किक मारेगी ना कि भाई उड़ते उड़ते जाओगे। लड़कियों को कभी हमेशा अटेंशन नहीं देनी चाहिए। मैं बताता हूँ, ये कम से कम तुम्हें 70-30 का एटलीस्ट ये रेशियो रखना चाहिए, ठीक है। क्या करना है तुम्हें कि कभी तो लड़की को अटेंशन दो, 70% टाइम्स उसको अटेंशन देना चाहिए और 30% नहीं देना। अब कई बार ऐसा होता है कि तुम 3 दिन उसको अटेंशन दो, 1 दिन अटेंशन ना दो, ऐसा भी सिस्टम चलेगा, कोई इशू नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि 1 दिन अटेंशन दिया, 1 दिन नहीं दिया, फिर दिया फिर नहीं दिया। तो ये चीज़ डिपेंड करती है लड़की पे कि लड़की कैसी है। कुछ लड़कियों को ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है और कुछ लड़कियों को अटेंशन नहीं चाहिए होती। अब ये कैसे समझ में आएगा कि कब लड़की को अटेंशन देना है और कब अटेंशन नहीं देना? देखो भैया, जैसे ही तुम किसी लड़की से नए नए बात करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें भर भर के अटेंशन देने हैं। पहले अप्लाई मत करना ब्रो, पहले इतना टेंशन दे दो, इतना टेंशन दे दो कि लड़की बावली हो जाए, लड़की के मन में आए कि मैं तो महारानी बन गई हूँ, ये लड़का तो मेरे पे कुत्तों की तरह दीवाना है, ऐसा शो करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर लड़की पता है क्या करेगी, तुम्हें उल्टा भाव देने लगेगी, थोड़ा थोड़ा तो देगी ना, तुमने उसको 10 क्विंटल भाव दे रखा है, 1 किलो तो भाव दे ही देगी ना। जैसे ही वो थोड़ा बहुत तुम्हें भाव देती है उसको इंजॉय करो 2-3 दिन, उसके बाद उसको टेंशन देना बंद करो। ऐसा नहीं है कि तुम अटेंशन दे रहे हो और जैसे ही लड़की ने अटेंशन देना शुरू किया, रिवर्ट बैक करना शुरू किया, तुम अटेंशन देना बंद करो, नहीं। अबे यूज़ तो कर लो, मतलब यूज़ करना बोल रहा हूँ, एटलीस्ट यार उसको यूज़ टू तो हो जाओ उस चीज़ को लेके। तो लड़की से बातें बातें करो, उसको अपनी आदत वगैरह लगवाते रहो, फिर अटेंशन देना बंद करो। मेक श्योर दैट कि लड़की को आप अपनी आदत लगवा के अटेंशन देना बंद करो। लड़की से अच्छी बातें नहीं करोगे तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई कि तुम उसको अटेंशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तुम्हारे जैसे बहुत 100-200 पड़े हैं जो कि अटेंशन दे रहे हैं, वो तुम्हें ही याद क्यों करेगी? तो तुम अपनी याद दिलवाना चाहते हो तो पहले अटेंशन भर भर के दो, अच्छी अच्छी बातें करो, फ्लर्ट करो, तारीफ भी करो, फिर अटेंशन देना बंद कर दो या कम कर दो, और फिर दो
फिर कम कर दो, बंद कर दो, ये खेल है, अपने आप सीख जाओगे तुम, करोगे तो। पॉइंट नंबर थ्री, क्वालिटी नंबर थ्री, इनिशिएटिव लेने वाला। हर एक लड़का इनिशिएटिव लेने वाला होना ही चाहिए, लड़की पटानी हो या ना पटानी हो, लेकिन हर एक बंदे को इनिशिएटिव लेना आना चाहिए। एक तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि तुम कोई भी प्लान बनाने वाले इंसान हो या नहीं हो, ये इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि तुम अगर कॉलेज में हो, तो जो इंसान होता है ना, जो कि बोलता है आज बंक करेंगे, वो सारी प्लानिंग करता है कि बंक ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ यहाँ जाएंगे, बेशक ये घटिया चीज़ है, मतलब खुराफाती कर रहा है, लेकिन फिर भी इससे ही पता लग जाता है कि बंदा लीडर है या नहीं है। जो लड़के होते हैं ना, जैसे आप पबजी खेलते हो, तो एक लड़का होता है जो कि खुद ही सारी कॉल्स देगा कि यहाँ से पुश करते हैं, तुम यहाँ से जाओ, वहाँ से आते हैं, वो आइडियल है या नहीं है, लेकिन वो बोलता रहता है कि ये करो वो करो, उसको यहाँ से करो, उसको वहाँ से करो, तो इससे ही पता लग जाता है कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी लीडर वाली है या नहीं है। थप्पा नहीं लगाना होता लीडर का, अपने आप वो नेचुरली आ जाता है। अब बात करते हैं इनिशिएटिव की। इनिशिएटिव क्या होता है, जैसे कि तुमने लड़की को देखा, तो लड़की एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम उसके पास पहले बात करने आओगे, लड़की को ना आना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं कि लड़कियां खुद आकर हमसे बात करें, क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है कि साली लड़की सच में हमें को चाहती है कि नहीं चाहती है। तो ब्रो ऐसा है कि लड़की को ना तुम्हारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे बहुत पड़े हैं उसके पीछे, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो जाओ इनिशिएटिव लो। ये तो हो गया लड़की के पटाने से पहले। जब लड़की पट भी जाती है, तो भी तुम्हें इनिशिएटिव लेना आना चाहिए और लेना ही चाहिए। जैसे कि लड़की कभी रूठ जाती है तुमसे, तो तुम ये सोचो कि मेरी गलती नहीं थी, लड़की की गलती थी, लड़की खुद आएगी, तो तब तक उसको कोई और ही पटा ले जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, दो चार दिन तक एटलीस्ट वेट करो, ठीक है, अपना भी दिखाना है ब्रो, हमें भी एटीट्यूड है, ठीक है, तो ऐसा करो दो तीन दिन तक, फिर उसको मना लो। मनाने भी आना चाहिए, ये भी एक कला होती है, तो लड़की को कोई और ही उठा कर ले जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इनिशिएटिव लेने वाली होती हैं। तुम रास्ते में चल रहे हो, कोई भी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो जाकर तुम पूछो लोगों से कि ये रास्ता कहाँ है या ये कैसा है। आई मीन तुम समझ रहे हो ना कि लड़कों वाले काम कर लो यार, कितना भी कह लो लड़कियाँ लड़कों के बराबर हो जाएंगी, वुमेन एम्पावरमेंट और फलाना ढिमकाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। लड़की लड़की वाले काम ही करेगी और लड़का लड़के वाले काम ही करेगा, तो इतना थोड़ा समझ लो यार। पॉइंट नंबर फोर है नॉटी और ह्यूमरस। आपको थोड़ा नॉटी बनना पड़ेगा, लड़की को छेड़ने भी आना चाहिए, ये थोड़ा फ्लोर टाइप में आ जाएगा। देखो जब मैं कह रहा हूँ लड़की को छेड़ने आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम लड़की को रास्ते चलते में छेड़ रहे हो और कहाँ जा रही हो मैडम मैडम आज तो कती टॉप लग रही हो, ऐसे यही सब फालतू की चीज़ें मत करो। लड़की जब बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाए, तो उसे थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते रहो, करो क्या बात है आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, लग रहा है डेट पे जा रही, तो ऐसी कुछ हेल्दी फ्लर्टिंग होती है, हेल्दी तरीके से, मतलब जैसे छेड़ना, जैसे बच्चे नहीं छेड़ते आपस में एक दूसरे को, छेड़ देते हैं कुछ, किसी को मार के भाग गए तो वो बच्चों वाली छेड़खानी हो गई। किसी को हर्ट मत करो, ऐसा मत छेड़ो कि लड़की तुम्हें अच्छे से छिड़वा दे, है ना, तो अच्छे से उसको फ्लर्ट वगैरह करते रहो, मस्ती मजाक करते रहो, थोड़ी शैतानी करते रहो। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है क्योंकि उनका टाइम पास होता रहता है ना, उनका हंसी मजाक चलता रहता है, लाइफ में टाइम पास होता रहता है, जब भी उसकी किसी से लड़ाई होगी, किसी से अनबन होगी, तो तुमसे बात करेगी तो उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो हर लड़की मतलब ही होती है, हर लड़की को मतलब से ये चाहिए होता ही होता है। पांचवी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, ऑनेस्टी एंड लवेबल, मतलब कि लड़का थोड़ा लव करने वाला भी होना चाहिए और लव देने लायक भी होना चाहिए। ऑनेस्टी एक दिखावा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है, ये पॉलिसी ब्रो दिखावे का काम है, कोई ऑनेस्ट नहीं है इस दुनिया में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा ढकोसला करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि मैं ऑनेस्ट हूँ। लड़की को बोलो मत कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, ऐसा नहीं, कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाओ जिससे कि लड़की को ये बिलीव हो जाए कि तुम सच में ऑनेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल तुम एक कहानी सुना सकते हो कि यार पता है क्या हुआ कि एक बार ना मेरे से ना एक गलती हो गई, मैंने क्या किया कि ये गलती कर दी थी और मैंने अपनी एक्सेस छुपा लिया था, लेकिन तुम्हें पता है मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी यार कि यार मेरे से एक गलती हो गई, क्योंकि मुझसे ना सच छुपाया नहीं जाता यार, पता नहीं क्या करूं, मेरे से सच निकल जाता है यार, मुझे ना खुद पे बहुत बुरा लगता है कि मैंने ये काम क्यों किया, मुझे बहुत रिग्रेट होता है, इसलिए मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। ये चीज़ें बोलो, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम बोलते हो, नहीं बोलते हो, कोई नहीं बोलता है, लेकिन ये चीज़ें बोलने में क्या जाता है, लड़की पट जाएगी, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि तुम कितना सच बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो, उसके बाद तुम संभाल लेना थोड़ा, है ना, तब तक तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन। और ये चीज़ें कुछ चलती हैं, और लवेबल होना चाहिए कि लड़की को दिखो कि हाँ तुम हो उसको प्यार करने लायक, तो अच्छे से थोड़ा दिखना शुरू करो, अच्छे से बातें करना शुरू करो, यानी कि सब काम अच्छे से करो जिससे लड़की को लगे कि हाँ भाई बंदे में दम है। ये सारी क्वालिटीज़ तुम अपना लो, लेकिन अगर तुम दिखने में भी अच्छे नहीं होगे, एकदम गंदे होगे, तो फिर लड़की नहीं पटेगी यार, मतलब दिखने में ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है, तुम कितने ही काले हो, कितने ही मोटे हो, कितने ही छोटे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारे फेस पे पिंपल्स है, तुम्हारे बाल उड़े पड़े हैं, तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं, तुम्हारा ये टेढ़ा है, वो बड़ा, क्या टेढ़ा है, क्या बड़ा है, वाह वाह वाह, मतलब कुछ इधर उधर है, तो
तो सब चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम अपने आप को अच्छे गेटअप में रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अपने आप को लगो ना भाई कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो तुमने देख ली, नहीं देखी, बहुत प्यारी वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, रोज़ कहता हूँ तो मानते तो हो नहीं है, बैठ गए भाई, हाथ से निकल गया भाई लड़का।